पूरा दिखाऊंगी, फुल एंजॉय करूंगी। तो आइए मेरे संग देखिए जेट स्क्वाड का क्रिसमस डे। ये देखिए ये जेट स्क्वायर का क्रिसमस है। आप देखिए कितना ऊंचा है और कितना खूबसूरत है। और यहाँ बहुत अच्छी भीड़ है। अभी जब मैं शूट कर रही हूँ तो ये दोपहर का 12 बजा है, लेकिन शाम होते होते यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ है। और आज मैंने प्लान बनाया था कि जेड स्क्वायर तो जाऊंगी, तो तब जाऊंगी जब क्रिसमस होगा। आज क्रिसमस है 25 दिसंबर, ये बड़ा दिन है और मैं आपको हर चीज़ दिखाऊंगी। तो आइए मेरे साथ और आप देख सकते हैं आप बहुत भीड़ है। और ये देखिए इसकी खूबसूरती, मैं आपको इसको चारों तरफ से दिखा रही हूँ। बहुत अच्छी खूबसूरती है इसकी। ये चारों तरफ से ग्रीन कलर की बना है, इसमें किशमिश है, गोल गोल सितारे जैसे लग रहे हैं, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और इसमें कुछ इन्होंने झांकी टाइप की बनाई है, मैं आपको झांकी भी दिखा रही हूँ। बहुत खूबसूरत हैं, छोटे छोटे क्रिसमस हैं, सेंटा क्लॉज जो बोले जाते हैं, वो लोग आते हैं, बच्चों की मन की चीज़ें करते हैं, उनको देते लेते हैं। नैनीकर भीड़ है और मैं आपको एक एक झांकी दिखाती आगे बढ़ूंगी, आप बराबर मेरे साथ रहिए। बहुत सुंदर सजा है, बहुत खूबसूरत है। कई बच्चे हैं, कई स्टूडेंट हैं, उनके पापा मम्मी हैं, कुछ कानपुर के हैं, कुछ कानपुर से बाहर हैं। हाँ जी, मैं आपको बताना भूल गई, ये कानपुर शहर है मैं जहाँ से ये वीडियो बना रही हूँ। और आपको मैं सब कुछ दिखाती भी जाऊँगी और साथ में आपको परिचय भी कराती जाऊँगी कि ये कानपुर शहर है। कानपुर शहर में जो बड़ा चौराहा पड़ता है वहाँ पे ये मॉल है जिसको जेड स्क्वायर कहते हैं, और मैं वहाँ शूट कर रही हूँ। आप झांकी भी देखते जाइए, साथ में मैं आपसे बात भी करती जाऊंगी। ये देखिए झांकी बहुत खूबसूरत है। एक्चुअली कानपुर आए मुझे काफ़ी साल हो गए हैं, आते थे लेकिन कभी भी आगे पीछे नहीं आए। क्या उठा रही बेटा, ये क्या चीज़ है? थर्माकोल। थर्माकोल के छोटे छोटे उन्होंने बनाए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में, गोली टाइप की हैं। और वहाँ पर ये जेट स्क्वायर पड़ता है, कहाँ बड़ा चौराहा। आई तो मैं कभी, लेकिन 25 तारीख को मैं कभी नहीं आई। बताते हैं वहाँ बहुत भीड़ होती है, इसलिए हिम्मत गवा नहीं करती थी। आज क्योंकि बच्चे हैं नहीं, अकेली थी घर में, बोर भी हो रही थी, तो मैंने कहा कि चलो कहीं घूम आते हैं। प्लान बनाया कि जेट स्क्वायर ज़रूर जाएंगे और वहीं देखते हैं, तो वहाँ कुछ फ़ोटो वीडियो भी बन जाएंगे और वहीं चले जाएंगे। तो ये लगी है लिफ्ट,
से जा रहे हैं जिनको किसी किसी को बैठना नहीं आता वो भी लगे सिक्योरिटी इनको समझा रहे हैं कैसे चलना है कैसे क्या करना है। और तो फिर मैंने भी इंट्री मारी है इस पर, ये हमारी बहन है और ये हम लोग बराबर चले जा रहे हैं ऊपर और हम आपको दिखाएंगे ऊपर भी बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया। आप देखिए तीन फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन मंजिल का ये जो है स्क्वायर है बहुत अच्छा है, ऊपर भी बहुत खूबसूरत सजा है। ये लगता है कोई फेस्टिवल होता ना तो वो संबंध में अलग ही आता है कि आज क्या है, अलग ही खूबसूरती। हम लोग सेकंड फ्लोर पे आए हैं, आपको सेकंड फ्लोर का भी पूरा नज़ारा दिखाएंगे। बढ़िया है सेकंड फ्लोर, बच्चे तो अपने पैर लटका के बैठ गए। हाँ उनके जो घर के हैं जो कहते हैं कोई बहन होगी या कोई रिश्तेदार होगी फ्रेंड होगी फोटो वोटो बना रही है, हम आपको ये दिखा रहे हैं। देखिए कितनी खूबसूरत, हमारे कानपुर को कम ना समझा जाए इसलिए मैंने कानपुर का जो सबसे खूबसूरत जेट स्क्वायर जो बोला जाता है उसको मैं शूट कर रही हूँ आज। आप मेरे कानपुर की खूबसूरती जरूर देखिए, कहेंगे आप लोग कि बाहर के तो खूब दिखा रही कानपुर के नहीं, कानपुर का भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये शॉप हैं और यहाँ पे अपने मन की कोई भी चीज़ आप ले सकते हो, बशर्ते आपका बजट गवाह करे क्योंकि सुनते हैं मॉल की हर चीज़ बड़ी महंगी है। ये मैं आपको ऊपर से कैमरा लगा रही हूँ, नीचे भी बहुत खूबसूरत है आपका। ये दूल्हा दुल्हन की ड्रेस हैं, दूल्हा की तो खरीदना तो वो भी खरीद लेते हैं, सबको घूमने की पड़ी है कि हम कुछ भी देख लें कुछ खरीद लें कुछ कर लें। क्लास के बच्चे हैं ज़्यादातर, मुझे यूथ ज़्यादा दिख रही है, आखिर यूथ का ही ज़माना है। कोई कुछ खाता पीता दिख रहा है, कोई कुछ शरारती बच्चे जाने क्या उठा रहा पीछे से निकालना की तरह दिखाया कि बर्फ है। अच्छा ये बर्फ कैसा, उन्होंने कुछ दिखाया है कि बर्फ में सेंटा क्लॉज है, ये क्रिसमस के छोटे छोटे पेड़ हैं। देखिए कितना खूबसूरत, लोग मार चश्मा वश्मा लगा के फोटो खींच रहे हैं। हाँ तुम भी आ जाओ, बहन को भी शौक लगा हम भी पोज में आए। इतना खूबसूरत, लोग मार चश्मा वश्मा लगा के फोटो खींच रहे हैं। हाँ तुम भी आ जाओ, बहन को भी शौक लगा हम भी पोज में आ जाए। आ जाओ भैया तुम भी आ जाओ, बहुत सुंदर लग रही हूँ आज, उसका दिन आज बना लो तुम, आज लंबे समय का वीडियो बन रहा है बना डालो तुम। ये देखो बहुत अच्छी बना रहे हैं, अच्छा लग रहा है, सब खुश हैं। कहते ना घर में भी रजाई ओढ़ के लेटे रहते हैं ना तो समझ में ना आता, सर्दी है सर्दी है यही सर्दी लगती रहती, निकल आए तो सब देखने में अच्छा लगने लगा यार। दुनिया बहुत रंग बिरंगी है, इसको जैसे ले लो, दुख हो तो नेगेटिविटी में चले जाओ। ये देखो छोटे से सेंटा खड़े हैं, यार भैया सेंटा मेरे घर में भी खुशियाँ देना, आराम में अपना खड़े हैं। आइसक्रीम की डिमांड हमें लग रहा ज़्यादा, जो देखो आइसक्रीम की दुकान पे भीड़, आइसक्रीम सबको चाहिए, मैं भी खाऊंगी, खाती कम हूँ गला बैठ जाता है भाई क्या करें, इसीलिए थोड़ा सा कम आइसक्रीम को खाती हूँ। पहले बहुत पसंद थी, बहुत खाते थे, बच्चों को भी पता था मम्मी को आइसक्रीम पसंद है लाते थे, लेकिन अब नहीं, अब मैंने हाथ खड़े कर दिए क्योंकि मेरा गला चला जाता है, सर्दी लगती है जकड़न होती है, सर्दियों में थोड़ा कम गर्मी में ज़्यादा ले लेती हूँ। ये देखिए आपको हम नीचे का पूरा सीन दिखा रहे हैं, इसके ऊपर भी जाना है और मैं ऊपर भी जाऊँगी और आपको ऊपर से पूरा दिखाऊँगी मॉल, आप परमानेंट मेरे साथ रहिए, मैं आपको
साथ मॉल जरूर घुमाऊंगी। जो कानपुर में होंगे वो तो देखते ही होंगे, जो कानपुर में नहीं है वो ये देखें कि मॉल कैसा है। मैं कोशिश करूंगी आपको दिखाने की, आप परमानेंट मेरे साथ रहिए। एक मिनट, ये वाली लिफ्ट ख़त्म है, साथ ये चल नहीं रही, हम लोगों को चढ़ना पड़ रहा, दूसरी वाली लिफ्ट बराबर चल रही है, हो गई होगी गड़बड़, तकनीकी गड़बड़ बनी रहती है कुछ ना कुछ। और मैं ये थर्ड फ्लोर में आ गई हूँ, आप लोग थर्ड फ्लोर मेरे साथ देखिए, ये देखिए यहाँ से कितना खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। हम आपको एक एक चीज़ दिखाएंगे, कोई चीज़ मिस नहीं करेंगे, जो मैं देख रही हूँ वो मैं आपको भी दिखाऊंगी, आप परमानेंट मेरे साथ रहिए। लोग ऊपर से भी वीडियो बना रहे हैं, जिसको जहाँ सुविधा मिल रही है वही अपना अपना कैमरा लगाए हैं कुछ अच्छा लेने की कोशिश। ये देखिए रखा, अच्छा बढ़िया है, बहुत सुंदर। बड़े बड़े देखिए, आप देख सकते हैं कितनी भीड़ बढ़ी रही है, भीड़ कम नहीं है, भीड़ बढ़ रही है ना, धीरे धीरे करके काफ़ी हो रही है। अच्छा लग रहा है, नीचे से हम थर्ड फ्लोर के साथ फोर्थ फ्लोर के बराबर होगा ये, और हम बराबर बराबर पे ऊपर से शूट कर रहे हैं, आपको नीचे तक दिखा रहे हैं। जो लोग कानपुर से कहीं बाहर हैं वो भी ये देख के उनको भी याद ताज़ा हो जाएगी कि जब मैं कानपुर में रहते थे तो फिर कैसा हम घूमने आते थे, वो अपना याद ताज़ा कर लें। और इस मॉल में क्रिसमस ट्री को ज़रूर देखें और अपने पुराने मोमेंट को याद करें और इन्जॉय करें मेरे साथ, जैसे मैं भी कर रही हूँ ऐसे आप भी कीजिए। ये देखिए सब आपको। तो फ्रेंड, इनके बारे में भी एक कहानी है कि इनका ईसाइयों का ये त्यौहार होता है और आज के दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था, तो ईसाई लोग इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से मनाते हैं। जो इनके स्कूल वगैरह होते हैं, 8-8, 10-10 दिन की छुट्टियां होती, जैसे हम लोगों में होली दिवाली का है ऐसा इन लोगों में है। लेकिन मैं तो हर धर्म को मानती हूँ, सब अपने हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जाना सबको एक ही जगह है, आना सबको एक ही जगह से है। मैं इतना विचार, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पे ये त्यौहार सबसे ज़्यादा उनका पॉपुलर होता है, वे लोग बहुत अच्छे से मनाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भीड़ों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो हम लोगों का भी घर जाने का वक्त हो गया, अब हम लोग जा रहे हैं। आपको बताते चलें कि फुल एंजॉय किया हम लोगों ने हर चीज़, आप चले घर की ओर, घर के काम काज करें।
और फ्रेंड मैंने आपको मॉल की पूरी खूबसूरती दिखा दी है और यहाँ से अब चलने का वक्त हो गया मेरा और हम लोग अब जा रहे हैं। जाते जाते एक बार फिर से देखिए मॉल बहुत खूबसूरत बहुत अच्छा। भीड़ बढ़ती जा रही है लोगों की, सबसे ज़्यादा बच्चे छोटे छोटे, दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा यूथ हैं, तीसरे नंबर पे कहीं कोई बुज़ुर्ग दिखाई देता है, शायद उन्हें रजाई से ही निकलने का टाइम नहीं है। ठीक है पब्लिक है इसका जहाँ मन लगे, कुछ लोग मंदिर जाना पसंद करते हैं, कुछ लोग मॉल आना पसंद करते हैं। ये देखिए सेंटा खड़े हैं, आप लोग भी इनसे दुआएं मांगे, अच्छी अच्छी गिफ्ट लेके आए, लोगों की जीवन में खुशियाँ लेके आए, यही हम लोग इनसे प्रार्थना करते हैं। सब हरा भरा रहे सबका आंगन, यही है कुछ मुश्किल।